खेल में सीखते जाओ, जीनियस तुम बन के दिखाओ। खेल खेल में सीखते जाओ, जीनियस तुम बन के दिखाओ। खेल खेल में सीखते जाओ, जीनियस तुम बन के दिखाओ। पेंसिल कलर ब्रश उठाओ, साथ ब्रेड केचप ले आओ। इंग्लिश साइंस मैथ्स या आर्ट, इससे हम बनेंगे स्मार्ट। खेल खेल में सीखते जाओ, जीनियस तुम बन के दिखाओ। ब्रश बॉक्स अपना क्रिएटिव बनाओ, फिर दोस्तों में चाहे जाओ। कुछ सीखने की हो जो तैयारी, कर लो तुम उससे यारी। छुपी है इसमें सफंकारी, नेशनल केचप फैक्ट्री हमारी। भूख और सीखने की मिटाओ मजबूरी, नेशनल केचप जरूरी, नेशनल केचप जरूरी। What's up, Noya? Hi, Ashir. Oh, Ashir, can you tell me ये purple वाला design अच्छा लगेगा क्या ये green वाला design? ये green वाला definitely. ये बहुत अच्छा reference है. मैं इसे lock कर लूँ? हाँ, sure. Thank God ये इतनी जल्दी हो गया. तुमने कभी सोचा है कि हमारी ज़िंदगी इतनी easy है? मतलब? मतलब you got the reference in just a click or a tap, right? तो? देखो Noya, इतनी जल्दी से हो गया. पहले ऐसे नहीं होता था. क्या मतलब है तुम्हारा Ashir? Noya, तुम्हारी जो tab है, it's about the size of your hand. और ये बहुत modern version of computer है, right? तुम्हें पता है कि सबसे पहला जो computer था, वो कितना बड़ा था? इतना होगा। वो मैंने अपने दादा के घर में देखा था ना, वो desktop होता है इतना बड़ा पुराना सा। That's not the biggest computer and not the oldest. सबसे बड़ा computer और सबसे पुराना computer जो था, वो एक ही था। और उसका नाम था ENIAC. मतलब इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। वो बहुत बड़ा था, एग्जैक्टली 1800 स्क्वायर फीट। और तुम्हें पता है उसका वेट क्या था? अ वॉपिंग 50 टन्स। वाओ। या अगर टेक्नोलॉजी आगे नहीं बढ़ती तो हमें इतना बड़ा कंप्यूटर चाहिए होता एक बेसिक रिसर्च के लिए। या एक्चुअली इतना बड़ा कंप्यूटर ही यूज करना पड़ता। देखो इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ, लाइफ इज सो सिंपल और इतना तेजी से हमें कोई भी आंसर मिल जाता है। थैंक्स टू टेक्नोलॉजी हम एक स्वाइप और एक क्लिक में सब कुछ कर सकते हैं। एग्जैक्टली Ashir, बट एक चीज है जो एक क्लिक और एक स्वाइप से नहीं हो सकती। वो क्या? मेरी टेक्नो कार। टेक्नो कार? टेक्नो कार मेरी लंच बॉक्स रेसिपी ऑफ द डे। ओके, वो कैसे बनाएंगे फिर? ओके, स्टेप वन, हमें इस शेप में ब्रेड चाहिए होगी। स्टेप टू, हम अपना पाइपिंग लेंगे और ये मिक्सचर है नेशनल मेयो एंड नेशनल केचप का। स्टेप थ्री, हम छोटे लेटस इधर रखेंगे। ये मैंने अपनी मम्मा के साथ पहले ही काट लिए थे। अब स्टेप फोर, हम चीज उस लेटस के ऊपर। हम ग्रिल चिकन लेंगे जो मेरी मम्मा ने पहले से ही हमारे लिए बनाई है। Can we use toothpicks or skewers to put it together? Oh yeah, we could make the car tires. We'll be needing cucumber. We could use radish. Yeah, हमें small toothpicks भी चाहिए होंगे। सबसे पहले, you take your toothpick. अब हम बनाएंगे इसकी हेडलाइट्स। सबसे पहले मैं अपनी चीज इंसर्ट करूंगी। ऑपोजिट एंड पे टोमेटो लगाऊंगी। वाओ, दिस एक्चुअली लुक लाइक हेडलाइट्स। Wow, one headlight's already done. Ashir, can you do the second one, please? Sure. First, you take the cheese, right? Yes. And you'll be needing a tomato. Wow, Noya. These actually really look like headlights. Wow. So, is it ready? Not yet. We need to make the trunk.
टू मेक द ट्रंक हमें बेल पेपर चाहिए होगा। अब फिर हम बेल पेपर यहाँ से काटेंगे। फिर हमें स्क्रूअर चाहिए होगा और इसके अंदर इंसर्ट करेंगे। फिर हम एक टोमेटो भी इंसर्ट कर देंगे। Oh. Oh, wow. Now we're done with our techno car. ये तुम्हारी टेक्नो कार तो एक स्नैप या एक टैप या एक स्वाइप से तो नहीं बनी, but it sure was really easy. And I bet it'll be super tasty. I really wish me ये मैं लंच बॉक्स में लेकर जा पाता। तुम लेके जा सकते हो क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए पहले से बनाया हुआ था। Oh wow! Thanks, Noya. You're welcome. That looks so nice. Wow! I can't wait for school tomorrow. Okay, Mr. Smarty Pants. तुम्हें तो बड़ा पता है कंप्यूटर के बारे में। मुझे एक बात बताओ, स्पाइडर्स का काम कंप्यूटर पे क्या होता है? स्पाइडर्स कंप्यूटर्स? देयर इज नो कोरिलेशन। दे मेक देयर वेब साइड। दैट्स अ गुड वन। दैट्स अ रियली गुड वन। अशोक, क्या तुम्हें मशीन और रोबोट्स में डिफरेंस पता है? अगर तुम्हें नहीं पता तो वी कैन आस्क नटविस। या लेट्स गो। लेट्स गो। ओह हे गाइस, हे। गाइस, तुम लोगों को रोबोट और मशीन्स के डिफरेंसेस पता है? पता है ना, देखो जो मशीन्स होती है वो रोबोट्स होते हैं और जो रोबोट्स होते हैं वो मशीन्स होती है। हाशिम, ये तुम क्या कह रहे हो? मुझे नहीं पता। अच्छा सही है, अगर हमारे पास इतना बड़ा रोबोट है then why not ask him? हाँ। Hey, Natwiz. Hello, everybody. एक रोबोट और मशीन में क्या डिफरेंस है? So, machine and robots में बहुत difference हो रहा है। सबसे पहले तो हम आपको बताएंगे कि एक मशीन क्या होती है। एक मशीन एक ऐसी डिवाइस होती है जो repeatedly एक pre-designed motion कर सकती है उस टास्क को अचीव करने के लिए जिसके लिए वो बनाई गई है। जबकि रोबोट एक इंटेलिजेंट डिवाइस होती है जो मशीन से कहीं ज्यादा फंक्शन परफॉर्म कर सकती है। तो क्या रोबोट्स AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैं? That's correct. Machines एक designated task ही कर सकती हैं, जबकि रोबोट्स को उनकी प्रोग्रामिंग चेंज करके उनसे दूसरे टास्क भी कराए जा सकते हैं। रोबोट्स ऐसी मूवमेंट्स करते हैं जो ह्यूमन आर्म की तरह हो सकती हैं। बेसिकली रोबोट्स मिमिक ह्यूमन बीइंग or they are designed in a way to mimic human beings. Thank you, Natwiz. Technology has really changed everything. Yeah. Bilkul. Chahe transportation ho, communication ho, ya construction. Technology has made everything quick and easier. Even movies. Technology ki wajah se film making ka tarika ye bahut change ho gaya hai. Yeah. Tumne kabhi action movie ki behind the scenes dekhi hai? Puri green screen hoti hai. Jab green screen istemal karte hain, तो कंप्यूटर टेक्नोलॉजीज के हेल्प से वो इतनी न्यू चीजें बना देते हैं, राइट? या इससे मुझे एक एक्टिविटी याद आ रही है व्हिच ऑफ कोर्स इन्वॉल्व्स मूवीज एंड सिनेमास। लेट्स डू इट। ओके, लेट्स गो। सो गाइस, आज हम बनाएंगे अपना पर्सनल सिनेमा। आर यू गाइस रेडी? यस। लेकिन अश्विन, इसको बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होगा? आई विल टेल यू राइट नाउ। इसके लिए हमें पहले तो चाहिए होगा एक शू बॉक्स, सम वाटर और सम पेंट, पेंट ब्रशेस, ग्लू, एक मैग्नीफाइंग ग्लास एंड सम पेपर क्लिप्स लाइक दिस वन। यू कैन यूज दिस टू डेकोरेट, या तो आप ये और ये यूज कर सकते हैं। आई विल शो यू हाउ लेटर ऑन। सबसे पहले हम अपना बॉक्स लेंगे और इसको खोल के अंदर से ब्लैक पेंट करेंगे। This can be any shoe box. So guys, you want to help? Yeah, sure. Basically, you have to color the entire inside black. Aapko soon pata chal jayega why.
जब ये ड्राई हो जाए तो ये ऐसे लगेगा. आफ्टर दिस स्टेप हम अपना मैग्नीफाइंग ग्लास लेंगे, हम इसको ऐसे रखेंगे और इसको विद अ पेन और पेंसिल एनीथिंग यू कैन राइट विद मार्क कर लेंगे. आफ्टर दिस आप इसको काटेंगे. जब आप इसको काटें तो मेक श्योर यू टेक योर पेरेंट्स हेल्प और गार्डियंस हेल्प. जब ये रेडी हो जाए तो वो ऐसे लगेगा. अब इसमें फेल्ट भी लगा सकते हैं to give it a finished feel, जैसे मैंने लगाया. After this step, अब अपना magnifying glass लेंगे और इस पे लगा देंगे. जब ये stick हो जाए तो वो ऐसे लगेगा. After this step, अब अपने beads और अपना cardboard लेंगे. आप अपने cardboard को ऐसे काटें और फिर bend करें. ऐसे. उसके बाद अब अपने बीड्स लेंगे और इस पे चिपका देंगे ताकि वो ऐसे लगे. ऐसे. जब ये स्टिक हो जाए आप इसको पेंट भी कर सकते हैं. आई ऑलरेडी मेड वन एग्जांपल. ऐसे. ओह वाओ. देन आपको ये चाहिए होगा अपने पेपर क्लिप्स. अब इसको मर्ज करेंगे ताकि वो ऐसे लगे. फिर हम इसको ऐसे चिपकाएंगे. There, चिपक गया. After this, अब अपने बीड वाला क्रिएशन इधर रख लेंगे. Your cinder box is ready. All that's left to do is to decorate it. मैंने ये कटआउट्स बनाई हैं ताकि मैं ये इसको डेकोरेट करूँ. And there, your Cinebox is ready. I have a phone that you can use and see how it actually works. And then we close the lid and look through here. Wow! Wow, ye to bahut acha hai. That's why this is really good and it's so easy to make. It's Nadia's quiz time! Let's go! Ramin, my team! We're in it to win it once again. Yeah. Hey, Nadia's. Hello, everybody. Hi. Team Noya and Team Ashin. Are you guys ready? Yes! Pehla sawal. WWW. Kis cheez ki abbreviation? Team Usher. World Wide Web. Correct answer. Question number 2. Compact disc. Kiste invent? Team Noya. James T. Russell. Correct answer. Yes. Question number 3. World Computer Literacy Day. Kis din manaya jata hai? Team Usher. 2nd December. Correct answer. Yes. Question number 4. Who is considered as the father of artificial intelligence? Team Ashit. John McCarthy. Correct answer. Yes. Question number 5. Online learning ko aur kis naam se jana jata hai? Team Noya. E-learning. Correct answer. Yes. Question number 6. Internet pe wo service जिसमें ऑडियो और वीडियो कॉन्वर्सेशन एक वक्त में हो सकती है उसे क्या कहते हैं? टीम आशिर. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग. करेक्ट आंसर. यस. क्वेश्चन नंबर 7. अलेक्जेंडर द ग्रेट या अलेक्जेंडर ग्राहम बेल में से किसने टेलीफोन इन्वेंट किया था? टीम नोया. अलेक्जेंडर ग्राहम बेल. करेक्ट आंसर. यस. Question number 8. In the world of computers, CPU
यू किस चीज की एब्रीविएशन है? टी मशीन, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9। टेलीफोन से पहले टेलीग्राम यूज होती थी और टेलीग्राम से पहले कौन सी चीज यूज होती थी कम्युनिकेशन के लिए? टीम अशर, द स्मोक दैट कम्स फ्रॉम फायर। रॉन्ग आंसर। द करेक्ट आंसर इज पिजन। फॉर थाउजेंड्स ऑफ इयर्स ह्यूमंस यूज्ड पिजन्स फॉर कम्युनिकेशन टू डिलीवर मैसेजेस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। Question number 10. What is the full form of a USB? Team Noya. Ultra signal? We don't know. Team Ashan, would you like to give the answer? The universal serial bus. Correct answer. Yes. Question number 11. Solar power se jo electricity generate hoti hai, uski source kya hai? The sun. Correct answer. And the winner is Team Ashan. Yes. Team Ashan, आप लोग अपने gifts magic drawer में से ले सकते हैं. Thanks, Nervous. Congratulations, guys. Thanks. गिफ्ट्स तो हम जीत गए लेकिन मुझे अभी तक ये समझ नहीं आया पिजन्स कम्युनिकेशन में कैसे यूज होते हैं। हाशिम, पिजन्स अपनी बीक यूज करती थी एक लेटर एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट तक डिलीवर करने के लिए। दीस पिजन्स वर आल्सो यूज्ड इन वर्ल्ड वॉर 1, राइट? यस। या पीपल यूज्ड टू राइट देयर लेटर्स और फिर पिजन के एंकल पे भी टाई कर लेते थे। गाइस, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट कम्युनिकेशन, मेरे पास एक बहुत अच्छी एक्टिविटी है। इट्स कॉल्ड द टिन कैन टेलीफोन। सो फॉलो मी। आज हम बनाएंगे टिन कैन टेलीफोन। स्टेप 1, आपको दो टिन कैंस चाहिए होंगे। स्टेप 2, हम इनके बीच में होल बनाएंगे। और प्लीज आप अपने पेरेंट्स की हेल्प लेना वरना आप अपने आप को कट भी कर सकते हैं। जब टिन कैन में होल्स हो जाएं, तो आप इसकी एजेस पे मास्किंग टेप लगाएंगे। अनमाई टेप भी लग गई है और ये होल्स ऐसे लगेंगे। स्टेप 4, हम अपनी रोप लेंगे और इन होल्स के थ्रू इंसर्ट करेंगे। आप रोप को ऊपर लेके आएंगे और छोटा सा नॉट बनाएंगे। अब आपका टिन कैन टेलीफोन रेडी है। Hello. Hello, Hashim. I can hear you. Guys, आज हमें बहुत मजा आया। हमने टेक्नोलॉजी के बारे में बहुत बातें भी की और एक्टिविटीज भी की। वाकई टेक्नोलॉजी ने हम सबकी लाइफ बदल दी है। But we should always remember कि टेक्नोलॉजी के साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। बिल्कुल सही रामीन। जो भी हम चीज़ें करते हैं उसका पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। दैट्स वाई जब भी हम टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करें वी नीड टू मेक श्योर वी डू इट फॉर पॉजिटिव थिंग्स। एग्जैक्टली। वेल दैट्स ऑल फॉर टुडे। वी विल सी यू नेक्स्ट टाइम ऑन नेशनल केचप फैक्ट्री। और सीखने की मिटाओ मजबूरी। नेशनल केचप जरूरी। नेशनल केचप जरूरी।